नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे शरीर की जो महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं अग्नाशय और यकृत के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि के बारे अपन मैं बात करूं यकृत ग्रंथि के अंदर, तो यकृत ग्रंथि के अंदर बात करूं दोस्तों, तो यकृत ग्रंथि है ये शरीर की मैं बात करूं तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत है। अंतःस्राव के रूप में अपन ने पढ़ा था सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत ग्रंथि है। मैं इसके वजन की अंदर बात करूं तो इसका वजन होता है राजा, वो कितना होता है? 1.5 से 2 kg इसका क्या होता है? वजन होता है। ये जो अमाशय है, अमाशय के ऊपर की साइड इस प्रकार से ये ग्रंथि उपस्थित रहती है, यानी ये ग्रंथि उसके इस साइड अमाशय की नीचे की साइड आपको ये दिखाई दे रही है, ये ग्रंथि है कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ये दो ग्रंथियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की मैं बात करूं तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। और मैं पित्तरस की बात करूं तो पित्तरस है उसका निर्माण होता है वो किस कहाँ होता है दोस्तों? यकृत के अंदर ही होता है। जबकि इसका संग्रह होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है। पित्तरस का निर्माण तो होता है वो दोस्तों किसके अंदर होता है? यकृत के अंदर होता है। लेकिन पित्तरस इकट्ठा रहता है, संग्रहित रहता है, वो किसके अंदर रहता है? पित्ताशय के अंदर है। ये पित्तरस क्या रहता है? संग्रहित रहता है। निर्माण यकृत के अंदर एकत्रित रहेगा, वो पित्ताशय के अंदर रहेगा। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस होता है उसके अंदर कोई किसी पोषक तत्वों को पाचन करने के लिए उसके अंदर एंजाइम नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए ये भोजन व्यवस्था की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट की कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। यदि हमारे शरीर के अंदर भोजन है उस भोजन के अंदर लंबे समय तक वसा की कमी रहती है तो वसा को क्या करेगा? ये वसा का निर्माण है ये कौन? यकृत करना शुरू कर देगा। कैसे करेगा? वसा का निर्माण इस प्रकार करेगा जो अपने शरीर के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को क्या बदलेगा? कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को ये क्या है? वसा में बदलने का काम कर देता है। उसके बाद देखें ये रक्त स्कंदन है। रक्त स्कंदन के अंदर कौन सा एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है। यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए अपने पास भाग है प्रोटीन का जो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित रहता है फाइब्रिनोजिन, इसका भी निर्माण यकृत के द्वारा होता है। एक है यकृत हेपेरिन का निर्माण करता है। यकृत है वो किसका निर्माण करता है? हेपेरिन का भी निर्माण करता है। हेपेरिन का मतलब क्या होता है? हेपेरिन। हेपेरिन एक इस प्रकार का क्या है? हेपेरिन एक प्रकार का क्या है? वर्णक है। ये वर्णक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? रक्त के अंदर पाया जाता है। रक्त के अंदर इसका काम होता है, रक्त के अंदर रुधिर का जो रक्त का थक्का है उस थक्के को बनने से रोकने का काम होता है दोस्तों। वो किसका होता है? यानी रक्त के थक्के को बनने से रोकने का काम होता है वो किसका होता है? हेपेरिन का होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। वो थक्का कब बनाएगा? जब अपने कोई घाव लग जाएगा, रक्त बाहर निकल रहा है, उसको जो बाहर की त्वचा के ऊपर जो रक्त का थक्का जमता है वो तो इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण जमता है। लेकिन शरीर के अंदर अपना जो रक्त उपस्थित रहता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को एक स्थान से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने का काम रक्त का होता है, तो रक्त क्या अपने शरीर के अंदर चक्कर लगाता है, वो प्रत्येक कोशिका के अंदर जाता है लेकिन उसका जमाव नहीं होता है, थक्का नहीं बनता, स्कंदन नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है वो क्या है? हेपेरिन है। क्या है? हेपेरिन। यदि अपने रक्त से संबंधित बीमारी होती है, कभी रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त के क्या है बिलीरुबिन हो जाता है, ये काम हेपेरिन की गड़बड़ी के कारण होता है। ये हेपेरिन की यानी कहने में सिंपल सी भाषा में कहूं तो अपने शरीर के अंदर जो कोशिका रुधिर का जमाव नहीं होता किस कारण, किस वर्ण के कारण होता है? हेपेरिन के कारण होता है। और हेपेरिन किसके द्वारा निर्मित होता है? यकृत के द्वारा होता है। रक्त में एक प्रश्न आता है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर लोहा वर्णक होता है जिसके कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसके कारण रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। लेकिन रक्त का थक्का शरीर में नहीं जमता है, इसका कारण हेपेरिन का कारण होता है जिसका निर्माण होता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत के कुछ भाग में कुछ यानी यकृत क्या करती है? कुछ मात्रा में लोहा तांबा और विटामिन को भी संचित रखती है। यकृत है, यकृत के अंदर कौन से? एक तो लोहा है, आयरन है, लोहा और तांबा
और कुछ भाग है वो किसके हैं, कुछ विटामिन है उनका भी संसित यानी संग्रह करने का काम या निर्माण करने का काम है वो यकृत भी करती है। यकृत विषैले पदार्थों का विषहीन बनाता है। कहने का मतलब जो विषैले पदार्थ हैं, जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन करते समय क्या होता है, कुछ विषैले जीव भी अपने भोजन के साथ चले जाते हैं, कुछ ऐसे हानिकारक होते हैं जीव अपने भोजन के साथ चले जाते हैं। अपन खाना खाते हैं तो कुछ लोग होते हैं हाथ भी नहीं धोते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे विषाणु या इस प्रकार के विषयुक्त जीव, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने भोजन के साथ जाते हैं, तो वहाँ से ये विषयुक्त जो मात्रा है उसका अवशोषण करने का काम होता है वो किसका होता है, यकृत का होता है, वो विष मुक्त बना देती है। इस कारण तो क्या होता है, जब कोई किसी व्यक्ति की जहर खाने से पर मृत्यु होती है तो जहर खाने पर मृत्यु होने पर सबसे पहले आपको पता लगाना होता है कि इसने कौन सा जहर खाया, कितना खाया, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, जो यकृत है उस यकृत का क्या करता है, पोस्टमार्टम करता है। जहर खाने वाले व्यक्ति के अंदर क्या होगा, जो पोस्टमार्टम किया जाएगा बॉडी का, तो उसमें सबसे पहले किसको किया जाएगा, यकृत को। यकृत से पता लग जाता है कि इसने जहर कौन सा खाया, कितनी मात्रा में खाई, ये सब कुछ पता लग जाता है। अगर थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर अपना जहर होता है, जहर खाते हैं, तो यकृत उसको क्या है, उस जहर युक्त विषैले पदार्थों को क्या है, विष मुक्त कर देता है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में जाता है तो वो यकृत काम करना बंद कर देता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी करता है। अपने शरीर के अंदर उत्सर्जन पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है, यूरिया नहीं होता है। लेकिन अमोनिया जैसे किडनी के अंदर जाता है तो वहां पर जो वोमन संपुट होता है उसको अमोनिया नुकसान पहुंचा सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए यकृत क्या करता है, उस अमोनिया को क्या लाता है, अपने पास लाता है और अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया के अंदर बदल देता है। यूरिया का अणु सूत्र क्या होता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, NH2CO NH2 होता है। सबसे पहले बनाया गया जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा है, यूरिया ही है। उसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। अमोनिया से यूरिया में बदलने का काम किसका होता है, यकृत का होता है। और दूसरी मैं बात करूं, जो पीलिया रोग है, उस पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें क्या होगा, कौन सा भाग प्रभावित होगा, वो यकृत होगा। कौन सा होगा दोस्तों, यकृत। कई बार पूछा जाता है पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर प्रमुख रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो कौन सा है, यकृत है। वैसे तो अंग त्वचा भी होती है, नाखून भी होती है, आंखें भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रभावित अंग होगा वो कौन सा होगा, यकृत ही होगा। यकृत प्रभावित होने पर ही अपने पीलिया होगा, नहीं तो नहीं होता है। तो मुख्य रूप से ये होता है। बाकी यकृत से संबंधित, यकृत एक रसायन पाठशाला भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी अपन रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कहा जाते हैं, यकृत के अंदर उसका क्या होता है, यानी शुद्धिकरण होता है। इसलिए यकृत को क्या कहा जाता है, रासायनिक पाठशाला भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है रासायनिक पाठशाला, पाठशाला की बात करें दोस्तों तो वो किससे कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है, जिगर यानी कालजे को कहा जाता है। तो ये था अपने यकृत से संबंधित। बाकी यकृत के बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे पाचन तंत्र के अंदर, तो यहाँ तो एक बार ग्रंथि को ले लिया था। अगली अपने पास ग्रंथि रहती है दोस्तों, वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों वो क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब होता है कि वे ग्रंथि जिसके अंदर क्या है, बाह्य स्त्राव भी होता है, अंतः स्त्राव भी होता है, ऐसी ग्रंथियों को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है वो कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अमाशय के नीचे की साइड स्थित होती है। तुम्हें ये बता दिया। अब मैं बात करूं अग्नाशय यानी ये ग्रंथि क्या है, एकमात्र क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। शरीर की क्या है, मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि होगी तो ये क्या होगा, दोनों यानी बाह्य और अंतः स्राव दोनों का स्राव करने का काम करेगा। उसके बाद देखिए ये ग्रंथि अमाशय में के नीचे स्थित होती है, अमाशय के नीचे के भाग के अंदर स्थित होती है। मैंने अभी आपको बताया था जो अमाशय है, अमाशय के नीचे के भाग के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, ये ग्रंथि उपस्थित होती है। कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती है। अमाशय के ऊपर की साइड यकृत और नीचे की साइड होती है वो कौन सी होती है, यानी ग्रंथि अपने पास रहती है वो कौन सी है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि है वो उपस्थित रहती है। उसके बाद अपन बात करें दोस्तों, ये अमाशय के नीचे ये शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, मैंने बता दिया ये शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। इसके द्वारा क्या होता है, जो स्त्रावित पदार्थ होता है, इसके द्वारा स्त्रावित पदार्थ होता है, स्त्रावित रस होता है। इस स्त्रावित रस के अंदर 98% कौन सा होता है, बहिस्त्राव होता है, और 2% दोस्तों होता है वो कौन सा होता है, अंतःस्त्राव होता है।
तो इनका 98% तो क्या होता है, बाह्य स्राव होता है, 2% अंतःस्राव होता है। यानी बाह्य स्राव होगा तो बाह्य स्राव के अंदर क्या होगा, किसका निर्माण होगा दोस्तों, एंजाइम का निर्माण होगा। किसका होगा, एंजाइम। और 2% अंतःस्राव, इसका मतलब 2% क्या बनेगा, हार्मोन बनेगा। यानी मान लो, मैं मान लेता हूं कि अपने जो इस ग्रंथि के द्वारा 10 ml क्या होता है, रस का स्राव होता है, जिसमें से 2 ml तो कौन होगा, हार्मोन होगा, और 98 ml कौन होगा, एंजाइम होगा। उसके बाद ये बाह्य स्राव के रूप में क्या करता है, अग्नाशय रस का स्राव करता है। बाह्य स्राव के रूप में मैं बात करूं दोस्तों तो अग्नाशय रस का स्राव करता है। ये सारीय द्रव होता है, ये क्या होता है, एक सारीय द्रव होता है। कौन, अग्नाशय रस होता है। अग्नाशय जो रस है, अग्नाशय रस किस प्रकृति का होता है दोस्तों, सारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का, सारीय प्रकृति का। इसके मैं पीएस मान बात करूं तो 7.5 से 8.3 ये इसका पीएस मान होता है। कई बार पूछा जाता है अग्नाशय रस का पीएस मान होता है 7.5 से 8.3 होता है, जिनमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को पसाने के लिए एंजाइम होते हैं। तीनों प्रकार के कौन कौन से मैं बात करूं तो तीनों प्रकार के भोज्य, तीन प्रकार के मुख्य रूप से कौन से हैं, एक तो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये वसा, ये क्या है, मुख्य रूप से भोजक, भोजन के मुख्य पोषक तत्व आते हैं। इनको पचाने के लिए इस अग्नाशय के पास क्या होता है, ये अग्नाशय रस होता है, इनको पचाने का काम करता है, पूर्ण रूप से पचा लेता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि जी भोजन के अंदर मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ये पचाने का काम करता है, इसलिए मुख्य पोषक तत्व भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद मैं देखूं कि अग्नाशय है, अग्नाशय के अंदर मैं बात करूं, अग्नाशय है, अग्नाशय के अंदर मैं यहाँ देखूं कि कोशिकाओं का क्या होता है, कुछ झुंड होता है, इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अग्नाशय के अंदर क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। इस कोशिकाओं के समूह के द्वारा ही क्या होता है, कोशिका के समूह के द्वारा ही अंतःस्रावी पदार्थ का क्या होता है, स्त्राव होता है। अब इस कोशिका के समूह को, समूह का सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले इस समूह का जो अपन को ज्ञान प्राप्त करवाया था, वो ज्ञान किसने कराया था, लैंगर हैंस ने करवाया था। किसने करवाया था, लैंगर हैंस ने सबसे पहले इसका ज्ञान प्राप्त करवाया था कि अग्नाशय के अंदर क्या होती है, कोशिकाओं का समूह होता है। इस समूह को क्या कहा, लैंगर की दीप कोशिकाएं का, या लैंगर हैंस की दीपिक समूह या दीपिक कोशिकाओं का समूह का। और इस समूह के अंदर तीन प्रकार की कोशिकाएं थी, एक अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका और एक गामा कोशिका। तीन प्रकार की क्या है, इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका और एक है अपने पास कौन सी, गामा कोशिका। यानी तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। इन तीन कोशिकाओं के अंदर अपन बात करें, इस कोशिका को क्या कहा जाता है, अल्फा कोशिका, अल्फा सेल। एक है अपने पास कौन सी, बीटा सेल। एक अपने पास है वो कौन सी है, गामा सेल। कितनी, तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब इस तीन प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित हार्मोन है, इस हार्मोन की अपन बात करें दोस्तों, इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, स्त्रावित हार्मोन की बात करें दोस्तों तो स्त्रावित हार्मोन है इसके द्वारा वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बताता हूं। स्त्रावित हार्मोन अल्फा सेल है, इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन है वो है ग्लूकेगोन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, ग्लूकेगोन हार्मोन है। इसके बाद अपने बीटा कोशिका यानी बीटा सेल की बात करें दोस्तों, बीटा सेल के अंदर है वो कौन सा हार्मोन है, वो इंसुलिन हार्मोन है। वो बीटा कोशिका के द्वारा स्त्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन, इसका काम क्या होता है मैं बताऊं, इसका काम होता है रक्त के अंदर दोस्तों, रक्त है, उस रक्त के अंदर क्या है, जो शर्करा की मात्रा है, उस शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का काम होता है, वो किसका होता है, ग्लूके। तो अपने ये हार्मोन तो थोड़ी गड़बड़ होगी, तो बीटा के द्वारा इंसुलिन हार्मोन होता है। इस हार्मोन का तो काम होता है क्या, रक्त के अंदर, रक्त में शर्करा है दोस्तों, राजा शर्करा के स्तर को क्या होता है, स्तर को बढ़ाने का काम होता है, वो तो किसका होता है, अल्फा का,
और रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने का काम होता है वो किसका होता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन का होता है। उसके बाद आता है गामा कोशिका, गामा कोशिका यानी गामा सेल के द्वारा हार्मोन स्त्रावित होता है वो कौन सा है, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन होता है वो कहाँ स्त्रावित होता है, जो गामा कोशिका है उस गामा कोशिका के द्वारा स्त्रावित होता है। इसका काम क्या होता है, इस हार्मोन का काम होता है शरीर के अंदर जो स्वागीकरण या पाचन की क्रिया है उसको नियंत्रित करने का काम होता है वो दोस्तों किसका होता है, इस गामा कोशिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन होता है। तो लैंगरहंस द्वीप कोशिका है, इसके द्वीप कोशिकाओं को तीन भागों में बांटा गया है, अल्फा के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन स्त्रावित होता है, दूसरा बीटा के द्वारा इंसुलिन और सोमेटोस्टेरिन हार्मोन गामा के द्वारा स्त्रावित होता है। इनके अपने कार्य पढ़ लिए। अब इंसुलिन हार्मोन के बारे में कई बार पूछा जाता है, इंसुलिन हार्मोन से संबंधित कि इंसुलिन हार्मोन की खोज कब की, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, इसकी अधिकता से कौन से रोग होता है, उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इंसुलिन की खोज है वो किसने की थी, वेटिंग, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वेटिंग और उसके साथ था वैज्ञानिक वो कौन था, वेस्ट, इन दोनों ने क्या किया था, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन हार्मोन खोज की गई थी। ये खोज की गई थी राजा, ये कब की गई, 1921 के अंदर इंसुलिन हार्मोन की क्या की गई थी, खोज की गई थी। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा, मधुमेह डायबिटीज रोग है वो हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की अपने शरीर के अंदर कमी रहती है तो डायबिटीज रोग हो जाता है, यदि इसकी इंसुलिन हार्मोन की अधिकता रहती है तो अपने पास कौन सा, हाइपोग्लाइसीमिया रोग है वो हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से। इस हार्मोन से अधिकता से रोग होगा अपने पास वो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर कौन कौन से जो अंग है वो प्रभावित होंगे, तो है जिससे जनन क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी और दृष्टि का ज्ञान होगा वो क्या कम हो जाएगा, यानी दिखना होगा वो बंद हो जाएगा, दृष्टि का ज्ञान कम हो जाएगा और जनन क्षमता में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये इस हार्मोन की अधिकता के कारण होती है। अब इंसुलिन हार्मोन है ये कहाँ पाया जाता है, मैं बात करूँ इंसुलिन हार्मोन है ये सभी जंतुओं के अंदर पाया जाता है, लेकिन मानव के समान अपन इंसुलिन की बात करूं, मानव के समान इंसुलिन है वो किसके अंदर पाया जाता है, वो इंसुलिन सुअर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, सुअर के अंदर क्या पाया जाता है, मानव के समान इंसुलिन पाया जाता है। सुअर का दिमाग है उसके अंदर इंसुलिन पाया जाता है, जो जितनी आवश्यकता होती है सुअर की उससे 10 गुना उसके अंदर अधिक इंसुलिन पाया जाता है जो मानव के समान होता है। बाकी इंसुलिन जैसे भेड़ बकरियों इसके अंदर भी पाया जाता है, यदि उस इंसुलिन का अपन मानव उपयोग करता है तो वह क्या हो जाता है, यानी एलर्जी युक्त यानी एलर्जी से संबंधित कुछ, त्वचा से संबंधित कुछ रोग हो जाते हैं, लेकिन सूअर के अंदर इंसुलिन होता है वो मानव के समान ही पाया जाता है। जिस प्रकार मानव के जैसा इंसुलिन मानव के अंदर होता है वैसा का वैसा उस सूअर के अंदर भी होता है। और एक होता है डहेलिया कि जो जड़ है उस जड़ के अंदर भी क्या पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है। कैसा, मानव के समान जो इंसुलिन है वो भी उसके अंदर डहेलिया की जड़ के अंदर या सूर्य के अंदर पाया जाता है। ये था इंसुलिन से संबंधित भाग, इंसुलिन अग्नाशय से स्त्रावित होता है। तो आज के लिए इतना ही और कल से अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हो सके तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।